इन्होंने मेरा आइडिया चुराया है? अब जो मेरा आइडिया था उस जमाने में जब मैंने सोचा था कि अंडा जो है ये बहुत अहम चीज है, इस आदमी ने कहा है कि मुर्गियां पालो और मुर्गियां पालना बड़ी अच्छी चीज है। देखे मुर्गियां भी किसी की माए बहन होती हैं। मुर्गा जो होता है उसकी बहन ही होती है ना, उसकी बीवी भी होती है, उनका एक खानदान होता है। अब कारोबार किस तरह बढ़ेगा, अंडों से जब मुर्गी से चूजा निकलेगा और चूजा बड़ा होकर बनेगा मुर्गा, मुर्गा बड़ा होगा फिर उससे आप बेचकर फिर लेंगे बकरी, बकरी जब बच्चा निकालेंगे, बकरी का बच्चा जब बड़ा होगा आप ले लेंगे एक भैंस का बच्चा, भैंस का बच्चे जब आप बच्चे निकालेंगे फिर उसका बन जाएगी भैंस। इस तरह ऐसे ऐसे चलते चलते मुल्क जो है वो आपका बड़ी तरक्की करता जाएगा। यार ये बहुत अच्छा है। मुझे समझ नहीं आई है कि मुर्गी ने भैंस का बच्चा कहाँ से पैदा कर दिया। आपको से बातें निकलती हैं और ऐसी अंडा निकल गया। जब अंडा जो पैदा हो गया उसके बाद दुनिया में पैदा होना कोई मुश्किल बात है। अब देखे जो कुछ भी है ना अंडा, अंडे की जितनी इज्जत करोगे ना उतना आप लोगों को फल मिलेगा। जो बुनियादी जूस है ना आपकी तरक्की का वो अंडा है। अच्छा। अंडे की इज्जत करो, अंडे के घुटनों को हाथ लगाओ, अंडा आपका सीनियर है। अच्छा मतलब 5 सालों के बाद हम ये बोलें कि वोट को इज्जत दो भूल जाएं, हम बोले अंडे को इज्जत दो। हाँ अभी से कहना शुरू कर दो अंडे को इज्जत दो। तो फिर हम इसका नारा ही बना लेते हैं, अंडे को इज्जत दो, अंडे को इज्जत दो। ए ते अंडे तोड़न दे या। अब पूछो क्यों क्यों खराब था। जो खराब है वो चाचा को दे दो, उसको मिलता ही नहीं है। वो तो चाचे को किसी ने कहा चाचा जी अंडा ना खाना ये खराब है, कहता है कोई बात नहीं मैं ठीक करा लूंगा। मैं खान साहब भला खूब करन दियो तुसी लोकां दा, हैं 5 कुकड़ियां ते 1 कुकड़ क्या पैकेज आ 1200 रुपए। उंज कुकड़ी देसी लैण जाओ ते 1600 दी इक लभदी आ। मुर्गियों के साथ तो ये नाइंसाफी है ना, देखे ना 4 मुर्गियां और 1 मुर्गा। वैसे भी कहते हैं कि 4 मुर्गियां तो जायज ही होती है। खान साहब ने अपने हिसाब से 4 मुर्गियां दी है ना, क्योंकि 3 तो छड़ बैठे हैं। और ये आवाम के साथ साथ कुकड़ का भी भला है। वैसे खान साहब ये तुसी साडा भला करने लिए वजीर आजम बने या कुकड़ का। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। वो चक्कर उनको आते हैं मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी को चक्कर देते नहीं। भाई साहब आप भी अपना ना हमारे साथ मजाक ही कर रहे हो, पूरी कौम के साथ आपने मजाक ही किया है। कौम ने पूछा 100 दिन बाद क्या हुआ, कहता 100 दिन हुआ। और यार तुम शेख चिल्ली हो, झुकते करने शुरू कर दिया तुमने आगे। लेकिन आज मैं इसको सलाम पेश करने के लिए, इस बंदे को, इसने मेरे आइडिया को फरोग दिया है। केड़ा आइडिया? वो मेरा अंडो वाला आइडिया जो मैंने अपना ख्वाब देखा था। दुनिया के अंदर 2 ही आइडिया हुए भाई साहब, एक हुआ पहिए वाला, देखे ना पहिया आया रोल हुआ, दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी, कितनी तरक्की हो गई। दूसरा अंडे वाला है, ये मेरा आइडिया इसने लेकर अपनी पूरी कौम को बता दिया, मुर्गी की इज्जत को बढ़ा दिया, अंडे को इज्जत दे दी इस बंदे ने। सास भी कभी बहू थी ये तो सुना था, मुर्गी भी कभी अंडा थी, पहली मरतबा सुन रही होती मुझे। मुर्गी अंडे से निकलती और क्या, डायरेक्ट फ्रिज से निकलती है या कसाई के छाबड़े से निकलती है या नेट से डाउनलोड करते हैं या ऐसे किसी के घर से छुपकर निकलती है, वो अंडे से ही निकलती है। फिजा तुम कहीं बाहर निकलो किसी से पूछो दुनिया कहाँ बस रही है। आप मुझे साफ साफ ये तो नहीं कहना चाह रहे कि बाहर ना निकलो अंडे से निकलो। वो कौन सा इतना लंबा अंडा होगा जिसमें से तुम निकलोगी, तुम तो पूरे घर से निकलती हो, लोग शक करते हैं ये कहाँ हो। अगर ये डायनासोर के अंडे में हो ना इसके घुटने फिर भी बाहर ही होंगे। बात एडी बेवकूफ है, इन्हू कहने पूछा अंडा कुकड़ देंदा या कुकड़ी, अगो कहंदी नहीं बेकरी वाला। अब बात अगर थोड़ी सी विजडम की तरफ चली गई है तो एक दानिशवराना सवाल है आप दोनों से। पहले दुनिया में मुर्गी आई थी अंडा, जो अंडों के इन्वेंटर हैं उन्हीं से ये सवाल है। देखिए ये जो फिल्म इंडस्ट्री थी ना, ये एक कुड़क मुर्गी थी, उसने दिए अंडे और पहला अंडा जो था वो थी बुलंदी। पहले बुलंदी आई, फिर उसके बाद अपना वो रेशम आई, फिर उसके बाद अपना सना आई, फिर उसके बाद मदिया शाह आई और मीरा पदरी के संडे से निकली। अब निकल के उसके बाद इन्होंने चू 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 करना शुरू कर दिया। तो रीमा जी ने कहा चलो ठीक है अभी ये चूजे हैं, मैं अमेरिका से चक्कर लगा के आ जाता हूँ। ये अंडा मुर्गी बुलंदी रेशम मीरा सना मदिया शाह रीमा, ये आपने चूं चूं का मुरब्बा कब बनाया था? देखिए मेरा ख्वाब था, हकीकत में आप इस बात को अगर देखेगी ना कि जो अंडा होता है ना उसकी ज्यादा अहमियत होती है जी, इसलिए कहते हैं मुर्गी को इज्जत दो अंडे को इज्जत दो। बट मैं इतना कहूंगी चिल्ली साहब जो जहाँ से भी निकला है मगर आज इस वक्त बहुत अच्छे मकाम पर है। असल चीज है अंडा जी। हाँ अंडे के ऊपर फोकस रखो, मतलब मकाम को भी अपने अंडे से मिला। देखे दुनिया में कोई भी बंदा अगर तरक्की करता ना जब तक वो अपने असल को याद नहीं रखता ना
वो बंदा तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा रीमा जी, इनका भी मैं मकाम बताती हूँ आपको। एक ऊंचे मकाम पे खड़े हुए ना, तो टोपी शोपी पहनी हुई थी इन्होंने, बिल्कुल भी नहीं पहनी हुई थी। ऊंचे मकाम पे खड़े हुए ना, वहाँ पे उछल लेते, तो मैं ऐसे खड़े होके देखा, मैंने कहा वाह वाह वाह, दूर से देखा तो अंडे उछल लेते, फिर मैं इनके पास गई, पास आके देखा तो गंजे उछल लेते। ये गंजा है? अच्छा लगवा लिए। इसके पैर के ऊपर तो चूंटी चल रही हो ना, तो ऊपर खड़ी सोच रही होती है ग्राउंड फ्लोर में कोई गड़बड़ है। जूता निकल गया ना, तो डॉक्टर को जाके यही कहती है, डॉक्टर साहब देखना बेसमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है। बल्कि डॉक्टर के पास ही नहीं जाती, अपने घर के अंदर बैठी बैठी टांग क्लिनिक में दे देती है, ये देखना। और इसके सर में जू पड़ जाए ना, तो ये नहीं कहती कि मेरे सर में जू पड़ गई, ये कहती है रूफ टॉप में कोई प्रॉब्लम है, ऊपर कोई एलियन टाइप आए हुए हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। रीमा जी आप मुझे ये बताइए, जावेद फाजल साहब ठीक है, उसके बाद शमीमारा मैडम जी और संगीता जी और उसके बाद सैयद नूर साहब, इन सब के साथ आपने बहुत सारा काम किया, इन डायरेक्टर्स में कोई डायरेक्टर क्या ऐसा था जो आपको कभी डांट सके और आपको गुस्सा कर सके, या फिर कुछ ये भी बताइए कि इन सब डायरेक्टर्स में से आपके फेवरेट कौन थे जिनके साथ आप काम करना चाहती थी? बहुत सारे नाम हैं जिनमें हसनैन साहब हैं, अल्ताफ साहब हैं, मसूद भट्ट साहब हैं, परवेज राणा साहब हैं, हसन अस्करी साहब हैं, बहुत सारे और भी डायरेक्टर हैं, शाहिद राणा साहब हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स। देखें डायरेक्टर जब भी हम कोई भी काम करते थे, वो कोई भी इनमें से डायरेक्टर हो, वो डेफिनेटली अगर आपने शॉट सही नहीं दिया तो वो थोड़ा गुस्से का इजहार करते थे। मगर मुझे जो डांट पिटी है वो दो डायरेक्टर से बहुत ज़्यादा डांट पिटी है। एक जावेद फाजल साहब, ओके, पहली फिल्म बुलंदी। और आप यकीन कीजिए कि जब हम स्टूडेंट होते हैं तो जैसे हम मैथ्स के टीचर या साइंस के टीचर से डरते हैं ना, जावेद फाजल साहब को देखकर, एक तो उनकी बाकी टीचर वाली लुक थी, बिल्कुल ग्लासेस बड़ी बड़ी लगाए और बहुत पढ़े लिखे थे, तो उनकी उर्दू और उनकी इंग्लिश और फिर उसमें डांट, तो इतना रोबो दबदबा होता था उनके लहजे में कि आधी समझ आती थी आधी समझ भी नहीं आती थी। अच्छा। कि ये क्या कह रहे हैं और क्या कुछ बोल रहे हैं, तो बहुत टांगें भी कांपती थी मगर जुर्रत नहीं थी। आप भी छोटी सी थी बुलंदी जब आपने फिल्म की, वो मेरी और शान की बहुत क्लास ली हो चुकी है। अच्छा। बहुत चूजे थे उस वक्त, बिल्कुल चूजे थे। वो जो वक्त था वो हमारी तरबियत के लिए बहुत अच्छा था, ये उसी का नतीजा है कि दो डेकेड्स के बाद भी रीमा और शान का नाम लिया जाता है और रीमा और शान मुसलसल अभी भी कहीं ना कहीं एक ग्रेस के साथ नजर आते हैं, नॉट ओनली पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये तो मैंने पहले जब अंडों का ख्वाब देखा था मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि रीमा और शान आएंगे। और कहीं ये नहीं कह दिया कि इन अंडों में से निकलेंगे। अंडों के साथ वास्ता तो है ना भाई। अच्छा ये तो आपने जावेद फाजल साहब के बारे में बताया, कुछ ऐसे डायरेक्टर्स जिनको हम लोग नहीं मिले हुए, उस सेट पे क्या क्या होता था आपके साथ, किस तरह से शूटिंग्स होती थी, बिहेवियर कैसा होता था प्रोड्यूसर्स का, डायरेक्टर्स का आपके साथ? खास बात जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में हमारे कुछ ऐसे डायरेक्टर्स थे जो ऑफ द कैमरा आपसे ऐसे बात कर रहे हैं कि उनसे ज़्यादा अच्छा आपका कोई दोस्त ही नहीं। ओह रियली? लेकिन जैसे ही स्टार्ट साउंड और एक्शन की आवाज़ होती थी तो वो बिल्कुल एक फिरौन की तरह सख्त गिर हो जाते थे। फिर कोई लिहाज नहीं, कैमरे के पीछे वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर जैसे ही आप कैमरे के सामने आए और वो बींग ए डायरेक्टर खड़े हुए अपनी जॉब पर, फिर वो कोई लिहाज नहीं करेंगे। वो कौन कौन नाम है ऐसे? उनमें से बहुत सारे नाम, जिनमें से मसूद भट्ट साहब बहुत अच्छे दोस्त, मगर कैमरे के सामने